हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है फ्राइडे के दिन पे। ओके, तो आज का दिन जो है ट्रेडिंग का, उसमें हमारे को 81 पॉइंट का पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है बैंक निफ्टी में, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे एक हैमर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। बेस पे आने के बाद में, यहाँ पे शार्प फॉल के बाद में ये हैमर पैटर्न बना है, तो इसलिए ये हैमर पैटर्न जो है वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। ओके, तो ये हैमर पैटर्न कब एक्टिवेट होगा? जब ये वाला जो लेवल है अपसाइड का, उसका जो हाई है 39,389 का जो हाई है, वो ब्रेक होते हुए दिखाई दिया, तो वो जो हैमर पैटर्न है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि लाइक ये वाला जो जोन है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन काम करेगा। 39,500 से लेके 300 का जो जोन था वो एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन करने वाला था वो, और मार्केट ने क्या किया था, वो जोन ब्रेक किया था। तो हम लोग ने जो लेवल बताया था वो 38,600 का हमारा फर्स्ट लेवल था, तो वहां से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है, तो ये जो टारगेट है वो अचीव हो गया हमारा। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था डाउनसाइड में, वो ये वाले लेवल पे था जो कि था 37,618 का। तो यहाँ पे मार्केट ने एक आज के ट्रेडिंग सेशन में होल्ड लिया है, तो या इसीलिए हमारा जो नीचे का टारगेट है 37,600 का वो एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी तक। अगर मार्केट समझो कल के ट्रेडिंग सेशन में यही जोन पे कहीं पे रुकता है, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ये वाले जोन पे ही रुकता है 39,389 के लेवल से लेके, या 400 से लेके आप 600 के जोन में कहीं पे रुकता है, होल्ड करता है और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो अपसाइड में जो टारगेट निकल के आएगा वो 39,799 या 800 का आप फर्स्ट टारगेट लेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि ये वाले जोन में होगा। वो ब्रेक होने के बाद में अगर वो ब्रेक होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट एक्टिवेट होगा वो 40,376 का टारगेट नेक्स्ट एक्टिवेट होते हुए दिखाई देगा। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि लाइक मार्केट इंट्राडे के लिए किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो इंट्राडे के लिए हम लोग यहाँ पे 5 मिनट पे देखेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हमको एंट्रीज कहाँ कहाँ मिली है। ओके, तो एंट्रीज देखने के लिए हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे। तो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि ये वाले जोन में कहीं पे मार्केट हमें मिला, और यहाँ पे 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है हमको, जो कि ये वाली जोन है 39,100 से लेके 39,000 या 38,900 की जो जोन थी वहाँ पे हमको मार्केट मिला, और यहाँ पे होल्ड करने के बाद में हमको नीचे के साइड में या अप साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग वहाँ पे एंट्री करने वाले थे। तो यहाँ पे हम लोग ने डाउन साइड में एंट्री की है, जब 15 मिनट की कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया है तब वहाँ पे हम लोग ने एंटर किया है। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में हमको जो फर्स्ट टारगेट देखने मिला वो 38,621 के लेवल तक हमें एक डाउन मूव मिला ही यहाँ पे, तो ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का था, 300 पॉइंट है यहाँ पे, तो इतने पॉइंट का हमें डाउनसाइड का रैली मिला था। ओके, जो हम लोग ने नेक्स्ट एंट्री ली थी वो ये वाले जोन पे थी, जब यहाँ पे मार्केट ने ये वाले जोन पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, तो ये वाला जो जोन था वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये वाले रेजिस्टेंस तक आया है मार्केट, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले जोन तक आया मार्केट और यहाँ से एक शार्प डाउनवर्ड मूव दिया, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, और नीचे से एक सपोर्ट मिल रहा था हमको, तो यहाँ पे हम लोग ने ये दो जब सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि ये ट्रायंगल का जो साइड में ब्रेकआउट आएगा वो साइड में हम लोग 100 पॉइंट का एक टारगेट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को 180 पॉइंट का एक टारगेट अचीव हुआ हमारा, तो 39,389 की लेवल तक यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद में ये वाले लेवल तक एक मार्केट गया है। कौन से लेवल तक? 39,389 की लेवल तक गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है वो अच्छी तरह से परफॉर्म किया है ट्रायंगल ने भी, तो हमें ये वाला लेवल पे एक हमको ये एंट्री मिली है, और एक एंट्री जो मिल रही थी वो ये वाले पैटर्न पे थी, जब यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, ये डबल बॉटम का जब ये वाला हाई है वो ब्रेक होने के बाद में हम लोग ने यहाँ पे एंटर किया था, ये एंट्री भी लिए होती किसी ने तो ये वाले एंट्री पे भी वो टारगेट मिल सकता था, बट वो इतना बड़ा टारगेट नहीं था क्योंकि ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था। क्यों? कि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे एक शार्प रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि यहाँ से एक मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव दिया था, तो इसीलिए हमने ये वाला जो जोन है यहाँ पे एक ट्रेड अवॉइड किया था, तो इसीलिए हम लोग ने टोटली यहाँ पे ये वाले जोन के ब्रेकआउट के बाद में ही यहाँ पे 100 पॉइंट का एक ट्रेड लिया है। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे
15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखने वाले कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। ओके तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक डाउनवर्ड साइड से एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, तो ये वाले सपोर्ट पे हम लोग खास ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि ये वाले जोन पे मार्केट ने कम से कम 4 बार सपोर्ट लिया है। तो ये वाला एक जोन है वो इम्पोर्टेंट जोन वर्क करने वाला है। जो सेकेंड इम्पोर्टेंट जोन है अपसाइड में, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है। ये वाले जोन पे अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो ये एक चैनल फॉर्म हो रहा है, तो ये चैनल के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो हमें अच्छे खासे टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने समझो ये वाले जोन में ही कहीं पे ओपनिंग दी, ये वाले जोन में ही कहीं पे ओपनिंग दी और अप या डाउन साइड में ब्रेक किया, ये चैनल को अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेक किया, तो हमें अप साइड में 100 पॉइंट का टारगेट देखने मिल सकता है। तो ये वाले जोन में हम लोग फर्स्ट टारगेट लेंगे, जो कि है 39,549 के लेवल पे हम फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। और जो सेकेंड टारगेट निकल के आएगा वो ये वाले जोन पे है, जो कि है 39,698 के लेवल पे। और जो लास्ट टारगेट हम लोग लेंगे वो ये वाले लेवल पे है, जो कि 39,823 के लेवल पे, जब मार्केट ये वाले चैनल में खुलता है और यहाँ पे अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तब ये ऊपर वाले टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर मार्केट ये वाले जोन में खुलता है और डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, तो डाउन साइड में जो टारगेट निकल के आएंगे वो ये वाले जोन में हो गया। फर्स्ट टारगेट 38,922 का फर्स्ट टारगेट लेंगे हम लोग। जो सेकेंड टारगेट निकल के आएगा वो ये वाले जोन पे 38,790 के लेवल पे, और जो हमारा लास्ट टारगेट निकल के आएगा वो ये वाले लेवल पे है, जो कि है 38,653 के लेवल पे। ओके तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम लोग और एक ट्रायंगल पैटर्न के बेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डाउन साइड से एक सपोर्ट ड्रॉ करोगे तो ये वाला एक चैनल हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे फिर से। तो ये चैनल बनने के बाद में हम लोग ऊपर की साइड से जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी ड्रॉ करेंगे, तो उस बेस पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने ये जो चैनल बनाया तो ये चैनल ड्रॉ किया हम लोग ने, और अप साइड से जो हमको अभी और एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये वाले लेवल से हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये वाले लेवल पे हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस एक ऊपर से नीचे आ रहा है वो, और नीचे से ऊपर के साइड में जो सपोर्ट ले रहा है वो वाला एक रेजिस्टेंस है। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल के बीच में कहीं पे ये वहाँ पे ओपन होता है मार्केट, ये वाले जोन पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है 39,200 से लेके 250 या 300 के लेवल के बीच में कहीं पे मार्केट यहाँ पे मिलता है हमको, और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है। तो अपसाइड में अगर ब्रेकआउट देता है तो ये जो चैनल का जो अपसाइड का हाई है वो टारगेट देखने मिल जाएगा हमको 39,500 के लेवल पे। हमारा ये वाला टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा अगर मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो 39,300 के लेवल पर वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो 500 का टारगेट देखने मिल सकता है। अगर मार्केट समझो यही जोन में खुलता है और डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो जो प्रीवियस टारगेट है वो ही देखने मिलेंगे 38,940 का। जो नेक्स्ट वाला होगा वो ये वाला जोन पे है 38,800, और जो लास्ट वाला होगा वो ये वाला लेवल पे 38,665 के लेवल पे जो टारगेट है वो देखने मिलेंगे। ओके मार्केट और किस कंडीशन में खुल सकता है, ये वाले जोन के ऊपर भी खुल सकता है। जो ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है वो वाले जोन के ऊपर मिला, तो ये वाला अपसाइड में जो अगर ब्रेक करता है 39,500 की लेवल अगर ब्रेक करता है, तो अपसाइड में हमें ये वाला टारगेट देखने मिलेगा, फर्स्ट वाला 39,678 का फर्स्ट टारगेट हम लोग लेंगे ये वाले लेवल पे। और लास्ट टारगेट जो लेंगे वो ये वाले जोन पे होगा 39,089 का टारगेट हम लोग लास्ट इसमें लेंगे। अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके ऊपर खुलता है, तो हम लोग ये वाली लेवल का वेट करेंगे, जो चैनल का जो हाई है वो वाले लेवल का ब्रेक करने का वेट करेंगे, और वो ब्रेक होती है 39,500 की लेवल निकलती है, तो अपसाइड के टारगेट एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। ये वाले जोन में खुलने के बाद में समझो डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट देता है, तो डाउन साइड में हम लोग ये चैनल का ब्रेक होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ये वाला चैनल अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो ये वाला चैनल डाउन साइड से जो सपोर्ट आ रहा है वो चैनल एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो ये डाउन साइड का भी सपोर्ट ब्रेक करने के हम लोग वेट करेंगे। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।